अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के शुक्र से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और आज का जो व्लॉग है ये मॉर्निंग से ही स्टार्ट हो रहा है, तो मैं जो है यहाँ पर पराठे बना रही हूँ खुशी के लिए। उसे स्कूल जाना है तो लंच के लिए मैं उसके लिए पराठे रेडी कर रही हूँ। और आज जो मैं उसके लिए पराठे बना रही हूँ वो बथुए के पराठे बना रही हूँ। मैंने रात बनाए थे बथुए के पराठे, बस उसी का ही थोड़ा सा बैटर पड़ा हुआ था फ्रिज में, तो मैंने सोचा चलो इसके लिए पराठे बना दे देती हूँ। अच्छा, मैं जो है आलू और बथुआ दोनों को मिक्स करके बनाती हूँ, क्योंकि बच्चे जो है खाली बथुए के पसंद नहीं करते हैं, इसलिए मैं बथुए को आलू में मिक्स कर देती हूँ और सारे स्पाइसेस वगैरह मिलाकर उनका बैटर तैयार करती हूँ। तो बच्चे बस इसी को ही पसंद करते हैं। वैसे मैंने रात जो है वो रायता भी बनाया था बतुए का। पराठे से हैं बच्चे खुश रहते हैं, तो वो खुशी अगर पराठे बनाती हूँ मैं तो खुशी फिर खाकर भी चली जाती है बहुत आराम से, और स्कूल के लिए लेकर भी चली जाती है। तो इसलिए मैं उसके लिए एक खाने के लिए भी बना रही हूँ, साथ ही एक पैक कर दूंगी उसके लंच के लिए। खुशी के स्कूल की जो विंटर वेकेशन है वो बहुत ही कम पड़ती है, मुश्किल से 3-4 दिन की ही पड़ी थी, और इसके स्कूल ओपन भी हो गए हैं। बाकी तीनों बच्चों के स्कूल के भी विंटर वेकेशन डली हुई है, इनके भी स्कूल ओपन नहीं हुए हैं। और जब चारों बच्चे स्कूल जाते हैं तो हस्बैंड बराबर हेल्प करते हैं, क्योंकि इनायत को वो ड्रेस पहनाते हैं, साथ ही उनके शूज वगैरह उन्हें पहनाते हैं, और मैं किचन संभालती हूँ। आज ऐसा कोई खास काम नहीं था, देखो मैंने ध्यान भी नहीं दिया, और एक इन्होंने पराठा भी फिल कर दिया। बस इतने में खुशी का लंच पैक कर रहे थे और इन्होंने मजे मजे में एक पराठा फिल कर दिया था। फिर मैंने इन्हें हटाया था, चलो आप नाश्ता कर लो, मैं बना देती हूँ बाकी के पराठे। और अब मैं यहाँ पर हस्बैंड के लिए दूध बना रही थी, तो मैं दूध में यहाँ पर शक्कर मिला रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पर सर्दियों में सब शक्कर पीते हैं दूध में, और गुड़ और शक्कर दोनों ही चीज हमारी ऑर्गेनिक आती है। जब मैंने गुड़ शक्कर मंगाया था तब मैंने आपके साथ ब्लॉग में शेयर किया था, और कहाँ से मंगाया था वो भी शेयर किया था। अच्छा, सारे काम से फारिग होने के बाद मैं दोपहर में फिर दोबारा से किचन में आ गई थी, और मुझे बनाना था लंच। तो आज मैं लंच में जो है वो कढ़ी बना रही हूँ, कढ़ी चावल। तो अपनी कढ़ी की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ। तो मैंने यहाँ पर 1/2 किलो दही ली है, और अब जो है तकरीबन मैं यहाँ पर 200 ग्राम के करीब बेसन ले रही हूँ। दही मेरी थोड़ी सी खट्टी ही है, क्योंकि मैंने खुली हुई मंगाई है, और खट्टी दही की ही कढ़ी ज्यादा अच्छी बनती है। मीठी होती है तो फिर इतना अच्छी नहीं बनती है, वो मीठी मीठी सी लगती है। तो मैंने यहाँ पर 200 ग्राम बेसन लिया है, उसमें मैं 1 चम्मच ऐड करूंगी लाल मिर्च का पाउडर, और तकरीबन 1 चम्मच के करीब ही यहाँ पर मैं हल्दी पाउडर ले रही हूँ। और अब मैं इसमें पानी डालकर अच्छे से घोल लूंगी इसको, मैं ना अच्छे से घोल लूंगी जिससे कि इसमें कोई भी लम्स वगैरह ना रहे, और एक स्मूथ सा इसका मैं एक पेस्ट सा बना लूंगी। और अब जो बस मैंने ये दही ली है इसको इसी में डालकर अच्छे से फेंट लूंगी। बस इस चीज का ध्यान रखें कि जब भी आप कढ़ी बनाएं तो अच्छे से दही को फेंट लेना चाहिए, वरना फिर कढ़ी जो है वो फटी फटी सी बनती है। तो मैंने इसको बहुत अच्छे से फेंट लिया है, और अब बस मैं यहाँ पर इसमें थोड़ा सा अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट डाल रही हूँ, और ये हमारी बहुत ही जबरदस्त सा बैटर बनकर रेडी हो गया है। अब बस मैंने यहाँ पर तामड़ी ले ली है, इसको हमारे यहाँ पर तामड़ी ही बोलते हैं। और ये जो हमने कढ़ी का बैटर बनाया है इसको मैं छलनी से छान लूंगी, इससे ये है कि कढ़ी जो हमारी बहुत ही ज्यादा स्मूथ बनकर रेडी होगी। और नॉर्मली मैं इसी तरीके से ही अपने घर में कढ़ी बनाती हूँ, जो की बहुत जबरदस्त बनती है। और कढ़ी के बैटर के जितने भी मोटे पार्टिकल्स थे वो सारे इसमें छलनी में आ गए हैं, और कढ़ी बिल्कुल एकदम से स्मूथ बनेगी अब हमारी। मैंने अभी तक इसमें नमक ऐड नहीं किया है, इसको हाई फ्लेम पर मैं अच्छे से पकाऊंगी जब तक इसमें उबाल ना आ जाए। जब इसमें उबाल आ जाएगा उसके बाद मैं नमक डालूंगी इसके अंदर, और इसको अच्छे से चलाते हुए ही बॉईल करेंगे, वरना फिर कढ़ी के फटने का डर रहता है अगर इसको ऐसे ही छोड़ दें तो। तो कढ़ी में जो है हमारे यहाँ पर बॉईल आ चुका है, और अब मैं गैस को स्लो कर दूंगी और इसको मैं कम से कम 45 मिनट तक अच्छे से पकने दूंगी, और इसी स्टेज पर मैं इसमें अब नमक ऐड करूंगी। इतना हमारी कढ़ी अच्छे से पकती है, यानी कि 45 मिनट तक इसको हम पकाएंगे कम से कम। इतने चावल बना लूंगी इतना हमारी कढ़ी बनती है। तो मैंने एक पैन में ऑयल डाल लिया है, साथ ही मैं यहाँ पर थोड़ा सा जीरा डाल रही हूँ, क्योंकि मैं जीरा राइस ही बना रही हूँ प्लेन वाले। और अब बस मैं इसमें थोड़ा सा नमक डालकर इसको थोड़ा सा तेज गर्म कर लूंगी पानी में, एक बॉयल आने दूंगी, उसके बाद ही मैं इसमें चावल ऐड करूंगी। और ये हमारे चावल बनकर तैयार हो गए हैं, बहुत ही ज्यादा खिले खिले। वैसे मुझे कढ़ी के साथ रोटी या पराठा ज्यादा पसंद है, लेकिन मैंने आज थोड़े से चावल बना लिए हैं, क्योंकि बच्चे ज्यादा शौक से खाते हैं, लेकिन मैं अपने लिए रोटी या फिर पराठा ही डालूंगी। कढ़ी भी हमारी तैयार होने वाली है, तो बस अब मैं इसमें पकौड़ियों की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने बेसन घोल लिया है, उसके अंदर मैंने हरी मिर्च और प्याज बारीक चॉप करके डाल दी है, साथ ही मैंने 1 चुटकी खाने वाला सोडा इसमें डाल लिया है,
और जिनकी पकौड़ियों में अंदर गांठ रह जाती है या बहुत ज्यादा सख्त बनती है, सोडा डालने से जो पकौड़ी है वो सॉफ्ट ही रहती है। अगर सोडा डालने के बावजूद भी आपकी पकौड़ियाँ काफी सख्त रहती हैं, तो फिर उसका सबसे बड़ा रीजन ये भी हो सकता है कि आप जो पकौड़ियाँ हैं वो काफी ज्यादा सख्त बेसन की बनाती हैं। मैं जो यहाँ पर है काफी पतला बेसन कर लेती हूँ और उसी की पकौड़ियाँ बनाती हूँ, फिर तो इसकी जो है पकौड़ियाँ फिर सॉफ्ट रहती हैं। और बस मैं बना बनाकर पकौड़ियाँ हैंड टू हैंड में कड़ी में ही ट्रांसफर कर दूंगी। इससे ये भी है कि पकौड़ियाँ एकदम गर्म कड़ी में जाएंगी तो एकदम से ही सॉफ्ट हो जाएंगी। बस जी यहाँ पर हमारी पकौड़ियाँ तो कड़ी में चली गई हैं। अब जो ये ऑयल है, मैंने ये सरसों का ऑयल लिया था क्योंकि मैं इसी से ही बंगार लगाती हूँ, तो ये ऑयल बहुत ज्यादा है, मैंने इसमें से कम कर लिया है। और सबसे पहले अब मैं यहाँ पर बंगार में आधा चम्मच दाना मेथी डालूंगी, उसके बाद मैं यहाँ पर 8 से 10 लाल मिर्च साबुत ऐड करूंगी, और ये मुझे कड़ी में बहुत ज्यादा पसंद है, इसके बिना मुझे कड़ी अच्छी नहीं लगती है जब तक लाल मिर्च ऐड ना करूं मैं इसमें। और 1 चम्मच मैं यहाँ पर जीरा ऐड कर रही हूँ, इसको मैंने हल्का सा क्रश कर लिया था क्योंकि फिर मुझे एकदम मोटा मोटा सा मोमा आता है वो अच्छा नहीं लगता, हल्का सा क्रश कर लेती हूँ। और 1 बड़ा प्याज मैं यहाँ पर बारीक काट लिया है, उसको भी मैं इसमें डालकर फ्राई कर लूंगी। अच्छे से मैं इसको थोड़ा सा फ्राई करूंगी जिससे कि ये हल्का सा गोल्डन सा हो जाए प्याज। बस जैसे ही प्याज हल्की सी गोल्डन की शक्ल में आने लगेगी फिर थोड़ा सा मैं इसमें आधा चम्मच के करीब हींग पाउडर डाल दूंगी। तो बस कढ़ी में हमारा जबरदस्त सा तड़का लग चुका है, और अब बस थोड़ा सा मैं यहाँ पर हरा धनिया ऐड कर रही हूँ, इससे कलर बड़ा प्यारा आ जाता है कढ़ी में और टेस्ट भी अच्छा आ जाता है। तो बुशरा को जो है वो बहुत देर से भूख लग रही थी, वो वेट कर रही थी कि मम्मा कब बनेगा खाना, तो खाना बन चुका था तो मैंने उसके लिए सर्व कर दिया था प्लेट में। तो राइस को जब मैंने बाउल में डालकर सेट करा था और उसके लिए सर्व किया था तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। तो एक बार आप इस तरीके से कढ़ी बना कर देखना, आपको ये मेरी कढ़ी की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी इंशाल्लाह। अच्छा, किचन के लिए मैंने ये स्पाइस जार ऑर्डर किए थे और ये 5-6 दिन हो गए हैं मुझे ने ऑर्डर किए हुए और ये मुझे कल रिसीव हो गए थे, तो मैंने इनको खोला नहीं था। अभी हम इनको खोल कर देखते हैं कि इनमें कैसे निकलेंगे, सेम वही चीज़ निकलेगी या फिर कुछ डिफरेंट निकलेगी। और ये जो है मैंने जो ऑर्डर किया था ये मैंने मीशो से ऑर्डर किए हैं, तो ये जो जार है ये मैंने 12 का सेट मंगवाया है और ये स्क्वायर शेप में है। पुराने जो पहले वाले जो मेरे जार हैं वो राउंड शेप में है, मुझे उनसे जी भर गया है मेरा क्योंकि वो काफ़ी पुराने भी हो गए हैं। और ये मैंने, ये बिल्कुल स्क्वायर शेप है तो क्वालिटी तो इनकी काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे, और स्क्वायर शेप में ही है जैसे मैंने ऑर्डर प्लेस किए थे। और नीचे इसमें लिख भी रखा है अनब्रेकेबल है, मेड इन इंडिया। ब्लैक कलर के हैं इनके ये लिड, ब्लैक कलर के इनके लिड हैं और 1100 ml के हैं, तो इसमें 1 किलो तो सामान आराम से आ जाएगा। तो ये जो है मैंने चीनी के लिए और दाल वगैरह के लिए, स्पाइसेस के लिए मंगवाए हैं। और ये पूरे 12 हैं, ये काफी क्यूट है बुशरा, अच्छे लग रहे हैं वैसे, है ना जी, सेम ऐसे ही है जैसे हमने मंगवाए थे मेरे। पूरे 12 इसके अंदर इन्होंने पूरे 12 करके दिए हैं एक बॉक्स के अंदर, और सबके अंदर इनके लिए लेड डले हुए हैं ये रहे। तो क्वालिटी तो इनकी काफी अच्छा है। पहले जो है मैंने ये अमेजोन से ऑर्डर किए थे और ये मुझे वहां पर 500 something में मुझे ये 6 मिल रहे थे, लेकिन फिर जब मैंने मीशो पर देखा, बुशरा के कहने पर देखा था, वरना मैंने अमेजोन से बिल्कुल ऑर्डर कर दिए थे। बुशरा ने कहा मम्मा मीशो से देखो, उस पर सामान थोड़ा अच्छा और रीजनेबल प्राइस में मिल जाता है। तो जब मैंने देखा तो सेम वहां पर यही चीज मुझे 550 में 12 मिल रही है, तो फिर मैंने वहां से ऑर्डर कैंसिल करा और थोड़ी सी चला के दिखाते हुए फिर मैंने ऑर्डर कैंसिल करा और फिर वहां से मीशो से फिर इसको ऑर्डर किया। तो ये मुझे 550 में 12 पीस का सेट मिला है जो कि बहुत ही जबरदस्त और बहुत अच्छी क्वालिटी में है। 550 rupees में मुझे ये 12 का सेट मिला है और इसमें काफी सारा सामान आ जाएगा, बहुत सारे स्पाइसेस दालें वगैरह कुछ भी रख सकते हो। अच्छा, मैंने एक और ये वाला और ऑर्डर किया है, इसे भी देख लेते हैं खोल करके इसमें किस तरीके के निकलेंगे। ये हमारे उम्मीदों पर खरे उतरे हैं, बाकी इसको देख लेते हैं। हाफ के जी के ये मैंने ऑर्डर किए थे, इसी के छोटे, और ये मुझे 250 के 6 पीस मिले हैं, ये हाफ के जी के। इसमें छोटा मोटा सामान है जैसे कि सौंफ धनिया वगैरह इसमें रख सकते हैं। तो दोनों ही सेम है, बस इनके जो साइज है वो अलग है, शेप सेम ही है बिल्कुल।
ये 1100 ml का है और ये 500 ml का है। तो अगर बड़ा सामान रखना है तो इसमें रख लो और छोटा कुछ कम रखना है तो इसमें रख लो। तो मैंने ये 6 मंगाए हैं और ये भी बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी के हैं, सेम ये रहा अनब्रेकेबल मेड इन इंडिया। मीशो पर ये इतनी अच्छी डील मिली है मुझे, क्या मैंने काफी सारे यहाँ चेक करे थे, सब पे ही काफी महंगे मिल रहे थे, डबल रेट में मिल रहे थे, और मीशो पर जो है ये काफी कम रेट में मुझे मिले हैं। और ऑनलाइन शॉपिंग में बस ये है, थोड़ा सा देख कर शॉपिंग करो जहां पर आपको चीज और क्वालिटी अच्छी मिल रही है और रीजनेबल प्राइस में मिल रही है, क्योंकि कहीं कहीं पर सेम अमेजोन पर भी जो इनके सेलर्स हैं वो अलग अलग हैं और उनकी सबके जो प्राइस हैं वो अलग अलग ही हैं, और ये काफी ज्यादा मुझे रीजनेबल प्राइस में मिल गए हैं। ये 550 में 12 मिल गए हैं और ये मुझे 250 में 6 मिल गए हैं, तो बहुत ही अच्छी डील है। अगर आपको भी अपने किचन के लिए कोई बॉक्स वगैरह लेने हैं और आपको इस तरीके कोई रीजनेबल और चीप और बेस्ट में चाहिए, आपको चीप भी चाहिए बेस्ट भी चाहिए, तो फिर आप ये ले सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी इनका, अगर आपको ये चाहिए तो आप ले सकते हैं। काफी दिन से मैं सोच भी रही थी कि मुझे है ना ऐसे स्पाइस जार मिल जाए जो ट्रांसपेरेंट हो और जो अच्छे हो। मैंने डिमार्ट में देखे थे, वहां पर काफी ज्यादा कॉस्टली थे, 120 का एक ही बॉक्स था ये। फिर मैंने ऑनलाइन चेक करे तो फिर वहां मुझे काफी ज्यादा वैरायटी भी दिखी, बहुत सारी शेप्स भी दिखी, लेकिन इस बार मुझे स्क्वायर में लेना था तो बस मैंने अभी यही ऑर्डर किया है। मैंने एक डिश ड्रेन बास्केट भी ऑर्डर कर रखी है, वो भी अभी मेरी आई नहीं है, जब आ जाएगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो मीशो के साथ जो मेरा एक्सपीरियंस है इन जार को लेकर बहुत ही अच्छा रहा है, रिव्यू भी दूंगी मैं उनको अपना। अगर आपको भी इस तरीके के जार लेने हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ऐड कर दूंगी, आप ले सकते हैं अगर आपको ये पसंद आ रहे हैं तो, क्योंकि मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद आ रहे हैं, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है इनकी, अनब्रेकेबल है। तो बस आज का मेरा यही था ब्लॉग, अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक बिल्कुल भी नहीं करते हैं आप, लाइक करेंगे तो मेरी वीडियो की जो रीच है वो भी अच्छी जाएगी और आपके लिए और भी अच्छे अच्छे मैं ब्लॉग लेकर आऊंगी। तो फिर मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, अल्लाह हाफिज।